मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। गैलप सर्वे में तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज या दीगर सियासी जमातों की सियासत तकरीबन खत्म ही कह लीजिए। देखिए गैलप सर्वे जो है वो अगर आप उसका एनालिसिस करें ना तो उसमें यह लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर वन पे है और नंबर टू पे आपको उसमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और उसके बाद फिर बाकी जमातें आती हैं, लेकिन उसमें टीएलपी के साथ रिजवी साहब जो हैं वो भी काफी पॉपुलर नजर आ रहे हैं। तो इसमें मैं अभी से नहीं बड़े अरसे से मैं ये समझता हूं कि दो चीजें जो है ना हमारे पाकिस्तान में उनसे आप ये नहीं कह सकते कि जी ये जो पब्लिक ओपिनियन है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। एक सोशल मीडिया, ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, और दूसरा ये जो सर्वे आते हैं, खासतौर पर जो गैलप का सर्वे है। अब देखिए ना, ये जो सर्वे है इसके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन साथ ही साथ अगर इदारों में देखें तो पाकिस्तान की फौज जो है वो भी बहुत पॉपुलर है, वो तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी ज्यादा पॉपुलर है। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि जो एक आम ऑब्जर्वर है, आज एक डिप्लोमेट मुझे ये पूछ रहा था, मैं आपके साथ खुल के बात कर देता हूं, उसने कहा जरा मुझे यार समझाओ कि इमरान खान भी पॉपुलर है और पाकिस्तान की फौज भी पॉपुलर है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें बहुत ज्यादा? तो मैंने कहा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर इमरान खान पॉपुलर है और फौज भी पॉपुलर है तो इसका मतलब है इमरान खान फौज में भी पॉपुलर है। मैंने कहा लेकिन ऐसी बात नजर तो नहीं आ रही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सर्वे जो है इससे आप एक रफ एस्टीमेट तो लगा सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत पॉपुलर है वो इस वक्त है पॉपुलर, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं। अब उसमें टीएलपी के जो एक लीडर हैं उनके बारे में जो रेशो बताई गई है वो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी है और नाकाबले यकीन भी है, और शायद ये जो सर्वे है इसके जरिए ये एक इम्प्रेशन दिया गया है कि जो टीएलपी है जनाब वो बहुत बड़ा तोड़ है पीटीआई का, तो और बाकी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कोई सिंध में पॉपुलर है कोई पंजाब में है वो पीछे चली गई हैं। तो इसलिए मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं इस सारे मामले पे, और सवाल मेरा यही है अगर मुझे भी कोई समझा दे कि ये जिस गैलप सर्वे का आपने सवाल किया है तो इसके मुताबिक पाकिस्तान की फौज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 80% के करीब लोगों में बड़ी पॉपुलर है, और इमरान खान भी बहुत पॉपुलर है, तो अगर दोनों पॉपुलर हैं तो फिर दोनों की लड़ाई किस बात की है?